अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। ये देखें माशाल्लाह, एक जो शलजम है वो इतना हो गया, मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि इससे बड़ा ये होगा तो ये फट जाएगा। ये देखें, सिर्फ इसकी रूट्स अंदर थी और ये और भी लगाए थे लेकिन वो नहीं हुए। बस ये एक ही शलजम लगा है, इसके साथ मेथी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। ये देखें, ये माशाल्लाह लाल मूली का भी साइज़ इतना ही होता है, इसे बड़ा करेंगे ये फट जाएगी। तो ये भी माशाल्लाह मेरे पास एक देखें बास्केट में, छोटी सी बास्केट है और उसमें लग गई है। सीड बहुत डाले थे, कुछ ग्रो नहीं हुए, दोबारा से डाले थे। और एक ये कॉर्नर पे देखें, वहाँ लग गई है। और इसको भी हम निकाल, सिर्फ जड़ थी, देखें कितनी माशाल्लाह रेड है, रेडिश, प्योर रेडिश, ऑर्गेनिक है। तो घर की लाल मूली ऑर्गेनिक खाएं और बीमारियों से दूर रहें, बगैर केमिकल फर्टिलाइज़र के है ये। चलें अब काटते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है। लग रहा है कि इसमें पानी जो है वो काफ़ी मिकदार में है, काफ़ी इस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है। ऑर्गेनिक है, अपना पूरा टाइम लेकर बड़ी हुई है। ये ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने स्प्रे किया है तो दूसरे दिन आपको इतनी बड़ी बड़ी सब्ज़ी मिलेगी। जो घर में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं वो आहिस्ता ग्रो होती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है और अपने पूरे टाइम पर ग्रो होती है। और जो बाज़ार से जो हम सब्ज़ी लेते हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा हेल्दी भी होती है। जब मैंने इसको खाया तो ये मीठा था, शलजम भी बिल्कुल ऐसे कड़वा नहीं था। जैसे हम बाहर कहलाते हैं तो थोड़ा उनका कड़वाहट सी थोड़ी उनमें होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि ये कड़वा है, बहुत मीठा था मूली भी और ये भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और घर में जितना हो सके वेजिटेबल्स को ख़ुद घर में उगाएं।